61 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया इनको? तो 9 साल ही तो हुआ है। मोबाइल ले लो, शिक्षित हो जाएगा। लड़कियों को ऊपर चढ़ा रहे हैं और लड़के हैं वो फिर रहे हैं हमारा। वोटों के टाइम पे बोले थे कि हम आपके नाली बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस टाइम पे तो बहुत किया, उसके बाद में जीतने के बाद में हम गए जाके बोले तो फिर हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। जी दावे से क्या होता है? करने से होता है। दावे से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अब की बार दैया जी को सुन के देखते हैं क्या होता है। जो राज्य सरकार कहती है कि हम देश गाँव की भलाई करते हैं, गरीबों को सुनते हैं, कोई भी सुनाई नहीं है। सब फैल है, गहलोत की जो है वो सब फैल है। फोन दे दिया, फोन से क्या, कुछ नहीं। बड़ी पार्टी है ना, उनकी सुनते जो गरीब आदमी है उनके बारे में कोई ध्यान नहीं करते। 8,000 का मोबाइल है तो उसके गरीबों को 2,000 रुपये खाते में डाल देता तो उसमें गरीब आपका रोजगार करता। मोबाइल क्या काम आएगा गरीब आदमी की? चंदेलिया साहब, उन्होंने कितना काम करवाया? थोड़ा बहुत काम करवाया है उन्होंने। अच्छा, लेकिन इतना नहीं है कि जितना बाकी लोग करवा सकते हैं। नयो नेता है अपने राजेश जी दैया, उन्हें अभी सुनांगा। योग्य हैं, बढ़िया हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि झुंझुनू ज़िले में पड़ती है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। और यहाँ के विधायक हैं जो चंदेलिया साहब, उन्होंने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनमें क्या क्या काम करवाए हैं। विधायक जी कई चीज़ों के दावे करते हैं, स्कूलें खुलवाई है, कॉलेजें खुलवाई है और जिला अस्पताल बनवाया है। उन सब के बारे दावे कितने धरातल पे हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। बाबा राम राम। राम राम जी। के नाम है? भंवर लाल बसवाला। जब बाबा के लागा है यो चंदेलिया 4.5 साल में कितनों काम करवाया? देखो साहब, ऐसा है कि चंदेलिया काम तो देखो जो सीट पे बैठता है वो करवाता ही है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। लेकिन जो बड़ी पार्टी है ना, उनकी सुनते जो गरीब आदमी है उनके बारे में कोई ध्यान नहीं करते। अच्छा। अब जैसे कई बार वोटों के टाइम पे बोले थे कि हम आपके नाली बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस टाइम पे तो बहुत किया, उसके बाद में जीतने के बाद में हम गए जाके बोले तो फिर हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। तो ये बात है साहब, मेरी तो इच्छा ये है कि अब की बार टिकट किसी नई पार्टी को दी जाए। नई में जैसे बात करें तो कौन आदमी ऐसा लगता है कि जो आपकी बात कर सकता है? अब ये तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कोई नए आदमी को दी जाए। और जो कोई पूंजीपति वाला नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी हो, यंग लड़का हो और कुछ शीतल सिद्धांत का हो, जो कोई भी गरीब आदमी जाए तो उसकी सुने वो। जैसे कांग्रेस में भी 2-3 आदमी घूम रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी 2-3 आदमी घूम रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आदमी आपको ठीक लगता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, वो तो देखो अब आप ही को चुनना पड़ेगा या आम पब्लिक को चुनना पड़ेगा। मैं तो आपके पड़ते हैं, हमारे तो पड़ते नहीं है। नहीं, बोर्ड तो हमारे पड़ते हैं, लेकिन मैं पूरा उनके बारे में परिचित नहीं हूँ। अच्छा। और भी भाई बैठे हैं। भाई राम राम। राम राम साहब। भाई के नाम है? उदय सिंह। अच्छा, के लागे है भाई जी? ये बाबा बताए चंदेलिया के बारे में, कितनों का ताने लगा है योगी काम के बारे में? जी देखो, काम तो कुछ नहीं है। अभी नयो नेता है अपने राजेश जी दैया, उन्हें अभी सुनांगा। योग्य हैं, बढ़िया हैं, और न तो देखो चुन के देख लिया। 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अब नया है राजेश चंदेलिया, तो कई दावा करे, बोले स्कूलें खुलवा दी, कॉलेजा बनवा दी, पॉलिटिकल कॉलेज ले आए हो, पिलानी में गर्ल्स कॉलेज ले आए हो। जी दावे से क्या होता है? करने से होता है। दावे से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अच्छा, ये बात है। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है, ठीक है। ये अभी इशू के कर दे, गरीब आदमी सुन ले वो। जी सुनांगा उन्हें, अन्य तो चुन के देख लिया, कुछ नहीं कहो। अच्छा, ये बात है। इवन चुन के देखांगा ये क्या करता है क्या नहीं, युवा है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, चलो युवा की बात करा तो कैलाश के बुड्ढो को कार्यकाल तो ये भी है, यानी कि काम नहीं कर रहे ना, मेन बात ये है, काम पे डिपेंड है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, कुछ काम ही नहीं कर रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं। ये अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, गहलोत सरकार की कई योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप है, चिरंजीवी है, स्मार्टफोन की योजना है, वो योजनाएं धरातल पे कितने फ़ायदेमंद है? सब फैल है, गहलोत की जो है वो सब फैल है। फ़ोन दे दिया, फ़ोन से क्या, कुछ नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं, अब फ़ोन दे दिया। फिलहाल 11 पेपर लीक हो गए बच्चों के, क्या क्या, कुछ नहीं।
इसके यानी कि गहलोत सरकार में हुआ है। आप जैसे पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक जैसे मोदी सरकार थी उन्होंने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार की, उन्होंने भी नहीं दिए फिर तो मोदी सरकार ने दिए, देंगे क्यों नहीं? कब दिए? 9 साल हो गए, अब की बार देंगे, एक मौका और देंगे। 9 साल में नहीं दिया वो, अब की बार क्या देंगे? 61 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया इनको तो 9 साल ही तो हुआ है, बहुत काम कर दिया। कांग्रेस वाले तो कहते हैं हमने बहुत कुछ करवाया है, कुछ नहीं किया। क्या अच्छा मोदी जी ने क्या करवाया फिर? मोदी जी ने क्या सब कुछ करा दिया, राम मंदिर बना दिया तीन, और तो राम मंदिर से पढ़ाई थोड़ी ना जुड़ जाती है, पढ़ाई के लिए तो शिक्षा। बेरोजगार को तो रोजगार मिल गया राम मंदिर से, कितने लोग गरीब बैठ के खाएंगे वहाँ पर, काम करके खाएंगे। तो मजदूर बनाना चाहते हैं देश को या फिर शिक्षित बनाना चाहते हैं देश को? शिक्षित ही बनाएंगे। तो राम मंदिर से मजदूर बनेंगे या शिक्षित बनेंगे? शिक्षित ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्यों बताइए आप मुझे कैसे बनेंगे मंदिर? बनेंगे। जब तक आप स्कूलें नहीं खोलोगे तब तक शिक्षित कैसे बनेंगे? स्कूल तो है ही, कहाँ स्कूल क्यों नहीं है? कहाँ खुले हैं? खुले हैं स्कूल, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सब हैं, खुले हैं। आप देखते होंगे हरियाणा में एक गवर्नमेंट ने एक योजना लेके आई थी हरियाणा सरकार कि सरकारी में पढ़ोगे तो आपकी फीस ज़्यादा लगेगी और प्राइवेट में पढ़ोगे तो हम फीस फ्री में पढ़ाएंगे, आपने देखा होगा। लेकिन राजस्थान की सरकार तो कई स्कूलें फ्री में खोल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल रही है। देखो हरियाणा का तो पता नहीं है मेरे को, उसका तो मेरे को मालूम नहीं है। राजस्थान में है हाँ सरकारी स्कूल खुली है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई प्राइवेट भी है, संस्था चल रही है, कई संस्थाओं में पढ़ाई भी अच्छी होती है जी। ये बात है सर। भाई साहब आपको क्या लगता है यहाँ पर जो चंदेलिया साहब हैं उन्होंने कितना काम करवाया? थोड़ा बहुत काम करवाया है उन्होंने। अच्छा, लेकिन इतना नहीं है कि जितना बाकी लोग करवा सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा आप डिटेल से बताइए क्या चाहते थे यहाँ के लोग? यहाँ के लोग बहुत सारे काम चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि पानी की समस्या अभी फिलहाल चढ़ावा में होनी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, हर घर में पानी की परेशानी हो रखी है। ठीक है ठीक है, चढ़ावा में कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कौन आदमी है जो ये काम करवा सकता है? जो नया चुन के आएगा वही करवाएगा। तो नया इस बार किसे चुनना चाहोगे? कई दावेदार मैदान में हैं। अब की बार दैया जी को चुन के देखते हैं क्या होता है। शिक्षित आदमी है, शिक्षा के साथ जुड़े हुए आदमी है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ में चलो आपने शिक्षा की बात की है तो शिक्षा के अंदर राजस्थान सरकार ने कई स्कूलें खोले हैं और यहाँ पे कॉलेजें खुलवाई हैं, तो क्या लगता है वो धरातल पे आने वाले समय में शिक्षा को रोज बढ़ावा देंगे? शिक्षा को बढ़ावा तो हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ज़्यादा शिक्षा की तरफ कर सकती है। कैसे? अब वो तो सरकार के नियम हैं, उनके हिसाब से वो करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा बीजेपी सरकार ज़्यादा कर सकती है शिक्षा के मामले में। राम राम। राम राम भाई। के नाम हुआ? दलबीर नाम है मेरे। अच्छा, के लागे है इनका, के माहौल है कि इनको के माहौल है? माहौल तो यह है कि कांग्रेस तो काम कर ली को ना चुनाव क्षेत्र में, और पानी की हर आदमी की समस्या है मोहल्ले में शहर में चुनाव में खड़े चल जाओ। और एक जो एक कुआ है बोल लेंगे आधा खराब पड़े हैं आधा चाल रहे हैं, और कोई वाटर वर्क्स में जाते हैं तो अधिकारी सुनाई नहीं करते, और चंदेलिया साहब को बोलते हैं कि ये काम आप करवा देंगे वो आते नहीं हैं, वहाँ जाते हैं तो है ही नहीं, दफ्तर गया हुआ है, मकान पर जाते हैं कहते हैं दफ्तर गया हुआ है। तो ये हम तो ये सोचना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी है उसको रोज़गार मिलना चाहिए, और मंडियारी चिड़ाओ में सबसे ज़्यादा, और रेडियाल वाले ये भी बैठे हैं और कोई साधन भी नहीं है यहाँ पर, और यह वादा कर देते हैं कि हम गरीबों के लिए ये मिलेगा, गरीबों के लिए लोन मिलेगा, बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला कहते हैं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आप ज़मीन लाओ पट्टा लाओ, पट्टा ये बनाते नहीं हैं, उसमें पैसे लेते हैं जान बना का। तो ये बात है, तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई कोई बढ़िया कैंडिडेट हो बीजेपी का, चाहे राजेश दहिया हो चाहे दहिया बजाय और कुछ भी हो, नौजवान लड़का हो गरीब घर का हो, काम करे अच्छा और मेहनत करके हर आदमी को सफलता मिले। अच्छा, ये सोचना चाहते हैं। गहलोत सरकार कहता है कि मोबाइल बांट रहे, उसके बजाय मोबाइल में क्या है कि 8,000 का मोबाइल है तो उसके गरीबों को 2,000 रुपये खाते में डाल देता तो उसमें गरीब आपका रोजगार करता, मोबाइल क्या काम आएगा गरीब आदमी के?
हाँ, तो उसमें 2000 रुपये की किस्त कर देता तो गरीब आदमी उसमें 6000 में आपका पेट भरता, कोई सब्जी ले आता, कोई फूल ले आता, दूध ले आता। ये पैसे वाले हैं ये तो कहते हैं मोबाइल ले लो शिक्षित हो जाएगा, लड़कियों को ऊपर चढ़ा रहे हैं और लड़के हैं वो फिर रहे हैं, हमारा धंधा है नहीं, लड़कियों को ऊपर पुजा रहे हैं। तो ये है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छा काम करें, चिराव क्षेत्र में गाँव में भी जाके काम सुधारें। ये भी है डेंगू का प्रयोग चल रहा है गाँव में, तो इसमें कोई दवाई नहीं छिड़कते हैं। जो राज्य सरकार कहती है कि हम देश गांव की भलाई करते हैं, गरीबों को सुनते हैं, कोई भी सुनाई नहीं है। डेंगू में गरीब आदमी का बच्चा होता है बीमार, हॉस्पिटल में सरकारी में आते हैं तो वहाँ वो डॉक्टर कहता है कि इसकी जांच करवा के लाओ बाहर से, सरकारी में पूछते हैं तो मशीन ख़राब हो गई। तो 800-900 आदमी गरीब आदमी मजदूरियाँ कहाँ से रहेगा जाँच कराने के लिए। तो ये मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा काम इस चिराव में होएगा तो उसको वोट मिलेगा, वो चाहे चंदेलिया जी हो, चाहे राजेश दहिया हो, चाहे कैलाश प्रधान हो, कोई भी हो, अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट मिलेंगे और उसको साथ लेके चलेंगे और अच्छा काम गरीबों के साथ रहेगा तो उसको आगे भी पहुँचा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं चिड़ावा के अंदर मौजूद था, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, इनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि चुनावी माहौल क्या है, चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं। कुछ लोग कांग्रेस के काम को अच्छा बता रहे हैं लेकिन विधायक के कार्यकाल से नाखुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नए चेहरे को देखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि पिलाने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस नए चेहरे पर दाम खेलती है या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJTV24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।